हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स गुरुकुल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से मैंने ये दो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में, सेल्स इन वेरियस पोजीशंस और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें हम इस पूरे सेल टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सेल्स इन वेरियस पोजिशन में हमें स्टडी करना है। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, एक तो हो गया क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट हम ये फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स सीरीज पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में। सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग, और इन दो टॉपिक में ही इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर करने वाला हूँ। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड, ओपन और शॉर्ट सर्किट, एंड सेकंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है सेल्स इन वेरियस पोजीशंस, सेल्स इन वेरियस पोजीशंस। फर्स्ट इसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्लोज सर्किट के बारे में। क्लोज सर्किट, सो सपोज क्लोज सर्किट जिसमें करंट फ्लो होता है, सो ये हो गया लेट एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, एंड लेट से इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ओके, सो इसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इसमें क्लोज सर्किट के केस में जितने भी डेटा है सारे मैं एक जगह पे पॉइंट आउट कर दूंगा, तो आप इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना हो ऐसे सर्किट में, क्लोज सर्किट में हमें करंट फाइंड करना हो स्टूडेंट, सो करंट के लिए करंट सर्किट में कितना होगा स्टूडेंट, करंट गिवन बाय द सेल ये कितना आएगा स्टूडेंट, सो करंट इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। सो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सो आर प्लस आर। नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अक्रॉस आर, तो कितना होगा स्टूडेंट, सो वी इज इक्वल्स टू आई आर, जितना सर्किट से करेंट फ्लो है इन टू आर, सो वी इज इक्वल्स टू आई आर। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन साइड द सेल, अगर मैं फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल, सो सेल के लिए रेजिस्टेंस कितना है आर, सो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, आई इंटू स्मॉल आर। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सेल, इक्वेशन ऑफ सेल, सो सेल के लिए इक्वेशन क्या होगा, सो ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, वेर ई इज ग्रेटर देन वी। ओके, एंड इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस, सो इंटरनल रेजिस्टेंस वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, एंड वी को हम लिख सकते हैं आई आर प्लस आई इन टू स्मॉल आर, देयर फोर आर इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो अगर वी से हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट, सो ई अपॉन वी माइनस वन, माइनस वन इंटू आई आर, सो आर कैंसिल हो जाएगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आएगा स्टूडेंट, ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर, एंड इसी तरह से हम पावर डिसिपेशन भी फाइंड कर सकते हैं,
पावर डिसिपेशन, पहले इसको इरेज कर दो स्टूडेंट. ओके सो पावर डिसिपेशन इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा. सो पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इन टू करेंट, और यू कैन राइट करेंट स्क्वायर आर, और यू कैन यूज वी स्क्वायर अपॉन आर. ये तीन फार्मूला आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट, पी इज इक्वल्स टू, आई का एक्सप्रेशन हमें पता है, उसकी जगह पर अगर हम पुट करें तो ये आएगा ई अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इन टू आर, सो आई स्क्वायर आर. तो एक फार्मूला हुआ. सो अगर हम कैपिटल, अगर हम पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का एक ग्राफ प्लॉट करें, पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ, सो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो ये ग्राफ आपको हमेशा रिवाइज करना है. पी वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट, पी वर्सेस आर का ग्राफ ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा. पावर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ये हम प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट. सो ये पी मैक्स है, पी मैक्स है, पी मैक्स कब होगा, जब आर इक्वल्स टू आर. सो यहाँ पे अगर हम आर इक्वल्स टू आर पुट करें स्टूडेंट, तो ये कितना आएगा, टू आर स्क्वायर, सो फोर आर स्क्वायर, एंड वी विल गेट ई स्क्वायर अपॉन फोर आर. But you can write E square upon 4R. So power will be maximum if external resistance is equal to the internal resistance of the cell. तो इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट. तो एक बार ये सारे फॉर्मूलाज एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं. फर्स्ट एक क्लोज सर्किट में, एक सिंपल क्लोज सर्किट मैंने यहाँ एग्जाम्पल पर लिया है, एग्जाम्पल में लिया है स्टूडेंट. सो इसमें करेंट कितना होगा, सो करेंट इक्वल्स टू EMF ओवर R प्लस आर टोटल रेजिस्टेंस. अक्रॉस कैपिटल R पोटेंशियल, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट, सो I इंटू आर. पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द सेल कितना होगा, I इंटू स्मॉल R. उसी तरह से इक्वेशन ऑफ सेल अगर हमें लिखना हो, तो इफ E इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस E इज ग्रेटर देन V, सो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर. एंड वी can also calculate the internal resistance. So we have this formula, E equals to V plus IR, and on dividing both side by V, we get E upon V is equals to 1 plus IR upon V, and V com IR भी लिख सकते हैं स्टूडेंट. तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा. उसी तरह से अगर हमें पावर डिसिपेशन फाइंड करना है स्टूडेंट, पावर डिसिपेशन इज V इंटू आई, और आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर. सो ये फॉर्मूला यूज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं. ना पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम कब होगा, ये आर इक्वल्स टू आर होगा. ये अब मैं बाय कैलकुलस मेथड ये प्रूव कर सकते हैं. ओके सो इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट. सो पावर इज इक्वल्स टू, वी हैव ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इनटू आर. सो हमने देखा दैट पावर विल बी मैक्सिमम इफ आर इज इक्वल्स टू आर. इसको हम प्रूव करते हैं. सो दिस पावर विल बी मैक्सिमम, कैलकुलस को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट. सो दिस विल बी मैक्सिमम इफ डीपी ओवर डीआर इक्वल्स टू जीरो. ओके सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, वी मस्ट हैव डीपी ओवर डीआर इक्वल्स टू जीरो. सो डी पी ओवर डी आर, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, ये तो फिक्स्ड है, ये बाहर आ गया. ये दो फंक्शन हो गया आर और वन अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर. सो ये आएगा स्टूडेंट वन इंटू वन अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये होगा माइनस टू आर प्लस आर टू द पावर थ्री, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो सबसे पहले हमने इसको बाहर लिया वन अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर को, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ये वन आ गया. नेक्स्ट हमने इसको बाहर लिया और इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ये कितना है स्टूडेंट माइनस टू अपॉन आर प्लस आर क्यूब.
So in the next step we can write R upon R square is equals to 2R upon R plus R3. So ye cancel hoga. That implies 2R equals to R plus R, and then implies R equals to R. So pressure will be maximum, if R equals to R. So ye condition hame directly use karna hai problems mein. Okay. So maximum kitna hoga student? P max kitna hoga? Jab R equals to R hoga, and we will get this to be 4R square. So E square upon 4. Power will be maximum if R equals to R, if external resistance equals internal resistance. Clear? So ye ho gaya student closed circuit. Next one is open circuit. ओपन सर्किट का मतलब होगा स्टूडेंट जिसमें कोई करंट फ्लो ना हो. सो नो करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल. अदर पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया, ये एक ओपन सर्किट हो गया स्टूडेंट, ये एक ओपन सर्किट हो गया. बैटरी का ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इस ओपन सर्किट में करंट कितना होगा? तो ओपन सर्किट में करंट होता है जीरो. सो करंट इन द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट कितना आएगा स्टूडेंट? जीरो. नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जिस पॉइंट पर ओपनिंग है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू ई. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट? E के इक्वल होगा. एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं सी और ये डी, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट इज सी एंड डी, ये कितना होगा स्टूडेंट? तो ये होगा जीरो. क्योंकि ये होता है आई इंटू आर, एंड सिंस आई इज जीरो ये भी जीरो होगा. क्लियर? तो ये होगा ओपन सर्किट. बहुत ही सिंपल सा केस था. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है स्टूडेंट बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देना. एक शॉर्ट सर्किट का सिंपलेस्ट फिगर. सो यहाँ पे R इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो शॉर्ट सर्किट होता क्या स्टूडेंट? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? सो इफ टू टर्मिनल्स ऑफ सेल आर ज्वाइंट टुगेदर, जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक शॉर्ट सर्किट हुआ. इफ टू टर्मिनल्स ऑफ सेल are joined together by a thick conducting wire, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. सो शॉर्ट सर्किट. ओके, सो थिक कंडक्टिंग वायर यूज करने का पर्पज क्या है स्टूडेंट? टू हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस, थिकनेस जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. नाउ इस केस में जैसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं स्टूडेंट, उस मोमेंट पे करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो होता है. सो मोमेंटली मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तो मैक्सिमम करंट का अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट? वैल्यू कितना होगा? सो मैक्सिमम करंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट. फ्लोज
मोमेंटली। सो जैसे ही शॉर्ट सर्किट करते हैं अचानक से एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, उसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? तो शॉर्ट सर्किट करेंट इज इक्वल्स टू ई एम एफ ओवर आर, सिंस कैपिटल आर इज जीरो सो ई अपॉन आर इज द शॉर्ट सर्किट करेंट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो वी इक्वल्स टू जीरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टूडेंट रिगार्डिंग द सेल इन वेरियस पोजिशन टॉपिक। तो उसमें तीन चीज़ें हमने पढ़ी, एक है क्लोज सर्किट, दूसरा ओपन सर्किट और तीसरा शॉर्ट सर्किट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। थैंक यू।